गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 यूनिट फर्स्ट इसका रिवीजन कराया जाएगा और अब यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड यूनिट थर्ड इन सभी के रिवीजन एक साथ शुरू होंगे। ठीक, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस प्रकार से रिवीजन होगा और जो क्वेश्चन नहीं लगे हैं उनको लगा लेना है। अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसको कमेंट करके भेजना है और उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। देखिए, पहली यूनिट है इसमें रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन के बारे में हम पहले से जान चुके हैं, क्लास 11 में भी रिलेशन हमने पढ़ा है। यहाँ पर रिलेशन के कुछ टाइप्स और पढ़ेंगे, रिलेशन के अलग अलग और कौन से टाइप्स हैं। तो यहाँ पे रिलेशन के तीन टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन से रिलेशन? एक सममित संबंध। कौन कौन से संबंध? सममित संबंध, समतुल्य संबंध और संक्रमक संबंध। तो संबंध थोड़ा बहुत जान लेते हैं संबंध के बारे में। जैसे मान लिया कोई भी ए क्रॉस बी क्रमित कोई भी गुणनफल दिया गया, दो समुच्चयों का गुणनफल ए क्रॉस बी इस प्रकार से दिया गया है। मान लिया ए में अवयव ए कामा बी कामा सी हो और बी में अवयव पी क्यू आर हो। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? A, B, A, B, 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 B,
थोड़ा थोड़ा ही समझ लीजिए कि अगर कोई समुच्चय ए दिया जाए, बी दिया जाए, तो इसका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी ऐसा होगा। कार्तीय गुणनफल का हर समुच्चय क्या कहलाता, संबंध कहलाता। ए से बी में कोई संबंध, एक रिलेशन, और ए से बी में क्या होगा, ए से बी में होगा सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जो भी समुच्चय होंगे वो सब क्या होंगे, ए से बी में एक संबंध होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर संबंधों की संख्या हम देखें तो ए में अवयव एम हो, बी में अवयव एन हो, तो ए क्रॉस बी में अवयव क्या हो जाएगा, एन इंटू एन। और किसी भी सेट में जितने अवयव होते हैं तो टू की पावर एन उतने उप समुच्चय होते हैं, और यहाँ पे जितने अवयव होंगे तो टू की पावर उतने क्या हो जाएंगे, संबंध। तो संबंधों की संख्या हो कितनी जाएगी, ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंध की संख्या क्या होगी, टू की पावर एन। ए से बी में अगर एक राशि निकाले तो अवयव कितने हो जाएंगे, एक राशि कितनी एम एन अवयव हो जाएंगे, और जितने अवयव होते हैं उसमें उप समुच्चय क्या होते हैं, टू की पावर एन। अगर एन अवयव हैं तो टू की पावर एन, इसमें अवयव कितने हैं एम एन, तो इस संबंधों की संख्या क्या देखिए, टू की पावर एम एन। अगर कोई समुच्चय ए दिया गया, एक बी दिया गया, ए में एम अवयव हो, बी में एन अवयव हो, तो संबंधों ए से बी में संबंधों की संख्या टू की पावर एम एन। ये सब हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्लास 12 में हमें संबंधों के प्रकार जानने हैं। संबंध के यहाँ पे तीन प्रकार पढ़ने हैं, कौन कौन से, सममित संबंध, सतुल्य संबंध और संक्रमक संबंध। और यदि कोई संबंध में ये तीनों संबंध हैं तो ऐसा संबंध कहलाता है तुल्यता संबंध। तो हमें तुल्यता संबंध भी पढ़ना है, ठीक। अगर एक सेट ए है जो भी हो, एक ए बी सी, दूसरा सेट बी है, तो इसको दूसरा सेट भी ए मान लें, तो ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए देखें तो ए का मान ए हो जाएगा, बी का मान ए का मान बी होगा और ए का मान सी होगा। इसी प्रकार से बी का मान ए होगा, बी का मान बी होगा और बी का मान सी होगा। इसी प्रकार से सी का मान ए होगा, सी का मान बी होगा और सी का मान सी होगा। ये ए क्रॉस ए है। अगर इसमें हम सतुल्य संबंध की बात देखें, सतुल्य संबंध, तो एक संबंध ए से ए में सतुल्य कब होता है, देखिए सतुल्य संबंध
स्वतंत्र संबंध क्या होगा? एक संबंध ए से ए में स्वतुल्य कब होगा? जब यदि ए बिलोंग टू ए या प्रत्येक ए बिलोंग टू ए के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग टू ए के लिए ए कामा ए बिलोंग टू आर, आर नो रिलेशन संबंध। अगर कोई अवयव ए भी है तो ए कामा ए भी, ए कामा ए रिलेशन में होनी चाहिए, ए कामा ए संबंध में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए से बी में कोई संबंध दिया गया है, अगर ए रिलेटेड बी है तो ए रिलेटेड ए भी वहां पर संबंध में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर ए और ए का गुणनफल ले, कार्तिक गुणनफल ले, तो उस कार्तिक गुणनफल में कोई भी रिलेशन दिया जाए, वो रिलेशन स्वतुल्य संबंध कब होगा? जब उस रिलेशन में विकर्ण के सभी अवयव हों। अगर किसी भी रिलेशन में विकर्ण के सभी अवयव होंगे तो वो संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। इसे समझ लीजिए, अगर हम ए और ए का कंपोजिशन टेबल बनाएं, ए क्रॉस सी, तो यहाँ पे आएगा ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, इधर आएगा ए कामा ए, यह आएगा बी ए कामा बी, यह आएगा ए कामा सी, इधर आएगा बी कामा ए, यह आएगा बी कामा बी, यह आएगा बी कामा सी, इधर आएगा सी कामा ए, सी कामा बी, और यह आएगा सी कामा सी। ए क्रॉस ए में कितने? अगर ए में तीन अवयव हैं तो ए क्रॉस ए में कितने अवयव हो जाएंगे? तीन का स्क्वायर नौ। अगर ए में एन अवयव है तो ए क्रॉस ए में कितने अवयव हो जाएंगे? एन। हम एन वाला नहीं लिख पाएंगे, हमने तीन वाला लिखा। तो इसमें कोई भी संबंध लेना हो वो स्वतुल्य कब होगा? जब उसमें सभी विकर्ण के अवयव हो। जैसे इसमें हम बहुत से संबंध लिखें, एक संबंध आर वन लिख दें, ये ए कामा ए और ए कामा बी, ये एक संबंध आर टू लिख दें, आर टू है ए कामा ए, ए कामा बी, ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, एक आर थ्री संबंध लिख दें, आर थ्री ए कामा ए, बी कामा बी, बी कामा सी, ए कामा सी, ये संबंध है। आर फोर एक संबंध लिख लें फाइव, और एक आर फाइव संबंध लिख लें एक राशि। अब पता करें इन संबंधों में कौन सा संबंध स्वतुल्य है, कौन सा संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो जिसे R1 हम देखें, तो R1 में A कामा A और A कामा B है। यदि A कामा B बिलोंग टू R हो तो A कामा A बिलोंग टू R होना चाहिए। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि A कामा B है इसे, तो A कामा A भी है। लेकिन A में जितने भी अवयव है, A में तीन अवयव है, एक संबंध ए समुच्चय दिया गया है ए बी सी, ए में तीन अवयव हैं, इसका मतलब इसमें भी तीन तो कम से कम अवयव होने ही चाहिए, और वो तीनों क्या होने चाहिए? विकर्ण अवयव। तो देखिए इसमें सभी विकर्ण वाले अवयव ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरे में सभी ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, सभी विकर्ण अवयव दिए गए हैं, इसलिए ये वाला संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध है। तीसरा देखते हैं, इसमें ए कामा ए है, बी कामा बी है, और तीसरा सी कामा सी नहीं दिया गया है इसमें। आगे हमें देखने की जरूरत नहीं कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया है। स्वतुल्य संबंध में हम विकर्ण के अवयव जरूर देखें। अगर विकर्ण का एक भी अवयव मिस है तो इसका मतलब वो संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, इसमें देखिए आगे दिए जाए या नहीं उससे हमको लेना देना नहीं है। इसमें देखिए ए कामा ए है, बी कामा बी है, लेकिन सी कामा सी नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। चौथा देखिए फाइव, फाइव का मतलब इसमें कोई अवयव नहीं, इसलिए तो विकर्ण का कोई भी अवयव नहीं है, तो स्वतुल्य संबंध के लिए विकर्ण के अवयव का होना जरूरी है, तो ये वाला संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। अच्छा ए क्रॉस ए देखिए, ए क्रॉस ए में तो सभी अवयव आ जाएंगे और उसमें विकर्ण का भी अवयव होगा, इसलिए ए क्रॉस ए भी स्वतुल्य संबंध है। इससे क्या पता चला? सबसे छोटा स्वतुल्य संबंध क्या होता है? विकर्ण संबंध।
और सबसे बड़ा सूत्र संबंध क्या होता है, कार्तिक गुणनफल। जो गुणनफल होता है कार्तिक गुणनफल, वो सबसे बड़ा सूत्र संबंध, और जो विकर्ण अवयव होता है वो सबसे छोटा सूत्र संबंध। सूत्र संबंध की कंडीशन ये है कि विकर्ण के सभी अवयव संबंध में होने चाहिए। ठीक, यानी मतलब अगर प्रत्येक ए विराम चिन्ह के लिए कोई भी अवयव जो ए में है तो ए कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ए में जैसे अवयव ए है तो ए कामा ए भी होना चाहिए, ए में अवयव बी है तो बी कामा बी भी होना चाहिए, ए में अवयव सी है तो सी कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो प्रत्येक ए विराम चिन्ह के लिए यदि ए कामा ए विराम चिन्ह है तो संबंध कैसा होगा, सतुल्य संबंध होगा। तो इसकी परिभाषा भी लिखनी है कि कोई संबंध सतुल्य संबंध कब होता है, जब प्रत्येक ए मिलान चुने के लिए ए कामा ए मिलान चुका है। तो ऐसा संबंध क्या होगा, सतुल्य संबंध। अगर हम सतुल्य संबंधों की संख्या देखना चाहें कि सतुल्य संबंधों की संख्या क्या होगी, फिलहाल इसे लेना देना नहीं है। अगर हम बाईचांस चाहें कि सतुल्य संबंधों की संख्या क्या होगी तो ध्यान दीजिए, अगर इसमें एन अवय होते तो एक राशि में एन स्क्वायर अवय हो जाते। तो सतुल्य संबंध में ये वाले अवय हो, विकर्ण वाले अवय हो, ये तो अवश्य ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सतुल्य संबंधों की संख्या जानने के लिए विकर्ण संबंध को अलग से पढ़ेंगे, बाकी जो अवयव हैं उनको अलग से। तो विकर्ण में अवयव कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। अगर तीन अवयव कोई भी समुच्चय तीन अवयव का है तो विकर्ण में अवयव कितने होंगे, तीन। अगर कोई समुच्चय चार अवयव का है तो विकर्ण में अवयव चार हो जाएंगे। कोई समुच्चय एन अवयव का है तो विकर्ण में अवयव कितने हो जाएंगे, एन। तो विकर्ण में अवयवों की संख्या एन होगी, टोटल अवयव कितने होंगे। अगर तीन है इसमें समुच्चय में तो एक राशि में कितने हो जाएंगे, तीन का स्क्वायर नौ। अगर इसमें चार है तो सोलह, मतलब चार का स्क्वायर। अगर इसमें एन अवयव है तो यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाएगा। टोटल अवयव इसमें कितने होने चाहिए, एन स्क्वायर। और इसमें से एन क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो शेष कितने बचे, शेष बचे एन स्क्वायर माइनस एन। टोटल अवयव थे एन और एन स्क्वायर, एन स्क्वायर में एन विकर्ण अवयव हो गए तो शेष कितने बचे, एन स्क्वायर माइनस एन। क्या विकर्ण के अवयव की हमारे पास कोई च्वाइस है, क्या विकर्ण के अवयव को हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। विकर्ण के अवयव की हमारे पास कोई च्वाइस नहीं, केवल एक ही च्वाइस हो तो होना ही चाहिए, उसकी कोई च्वाइस नहीं। यानी मतलब विकर्ण के अवयव तो होने ही चाहिए। ठीक, इसकी च्वाइस कितनी हुई, केवल वन। ठीक, इसको लेना ही है, इसकी च्वाइस तो होना नहीं। किंतु बाकी अवयव देखिए, बाकी ए कामा बी होने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, ए कामा बी हो या ना हो तभी संबंध सूत्र संबंध होगा। तो इसके लिए ए कामा बी के चॉइस कितने हैं, दो। ऐसे ए कामा सी हो या ना हो तभी संबंध सूत्र रहेगा। ये अवयव होने चाहिए, ये अवयव हो या ना हो, ये अवयव हो या ना हो। ठीक, तो इसका मतलब बाकी सभी अवयवों की चॉइस कितनी होगी, दो। उसे ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, और इसको तो लेना ही है। ऐसा तो नहीं कह सकते विकर्ण अवयव ले भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो इसके चॉइस कितने हो गए, एक, और बाकी सब अवयवों की चॉइस कितनी है, दो। भाई दो चॉइस है, क्या चॉइस, या तो ले ले या न ले, तभी संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे इतना लिखा है ये विकर्ण संबंध है तो इसमें ए कामा बी और लिख दें तभी ये विकर्ण संबंध बना रहेगा, न लिखें तभी कोई बात नहीं। इसे बी कामा सी लिख दें तभी ये सूत्र संबंध बना रहेगा, इसमें ए कामा सी लिख दें तभी सूत्र संबंध बना रहेगा। ठीक, तो बाकी अवयव ले या ना ले, तो बाकी अवयव के जो चॉइस होंगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसकी चॉइस, इसकी चॉइस दो, इसकी चॉइस दो, इसकी दो, सभी की दो है, तो टोटल चाहे दो इंटू दो इंटू दो, कहाँ तक, दो की पावर एन स्क्वायर माइनस एन तक। तो बाकी हो जाएगा दो की पावर एक इंटू, मतलब सभी की चॉइस दो है, दो इंटू दो इंटू दो, एंड कहाँ तक, एन स्क्वायर माइनस एन पद तक। यहाँ पे इनको दो पदों तक जोड़ेंगे, दो की पावर दो हो जाएगा, तीन पदों तक गुणा करेंगे, दो की पावर तीन हो जाएगा, इतनी पदों तक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दो की पावर एन स्क्वायर माइनस। तो यहाँ पे इसको चाहे टू की पावर एन का मान लो एन माइनस वन, ये क्या हो जाएगी, सतुल्य संबंधों की संख्या। सतुल्य संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, टू की पावर एन इंटू एन माइनस वन। किसी जैसे पूछा जाए इसमें सतुल्य संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें सतुल्य संबंधों की संख्या टू की पावर थ्री इंटू थ्री माइनस वन, तो टू की पावर सिक्स। इसमें सतुल्य संबंधों की संख्या टू की पावर सिक्स अर्थात चौसठ।
बात समझ में आ गई। सुपद्य संबंध क्या होता है कि ऐसा संबंध ए से ए में एक संबंध सुपद्य संबंध कब कहलाता है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। याद रखो रिलेशन, यहाँ पे वास्तविक संख्या बस समझ लेना संबंध। तो कोई भी संबंध सुपद्य संबंध कब कहलाएगा, जब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर हो। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं सममित संबंध। ये तो हुआ स्वतुल्य संबंध, अब बात करेंगे सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है, अगर कोई संबंध ए से ए में दिया गया है, अगर कोई संबंध ए से ए में आर संबंध दिया गया है तो वो संबंध स्वतुल्य कब हो, वो संबंध सममित कब होगा, जब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ए कामा, उसमें क्या था प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए उसके विकर्ण के अवयव होने चाहिए। और इसमें क्या होता है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। संबंध सममित कब होगा, कोई भी संबंध सममित कब होगा, जब यदि ए कामा बी बिलोंग टू आर तो बी कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। इसमें उसमें क्या था प्रत्येक ए काम ए बिलोंग टू ए के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग टू ए के लिए ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, प्रत्येक नहीं। अगर ए कामा बी रिलेशन में है तो बी कामा ए रिलेशन में होना चाहिए। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सममित संबंध। ठीक, कोई संबंध सममित संबंध कब कहलाता है कि यदि कोई भी कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी दिया जाए तो ए कामा ए बिलोंग्स ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक, अगर एक कामा दो संबंध में है तो दो कामा एक भी होना चाहिए। अगर अगर एक कामा दो है तो दो कामा एक होना चाहिए, अगर तीन कामा दो है तो दो कामा तीन होना चाहिए, नहीं है तो बात नहीं। उसमें क्या था, निश्चित था विकर्ण अवयव होने चाहिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए विकर्ण विकर्ण संबंध होना चाहिए। तो सममित संबंध कब होगा कि कोई भी संबंध ए से ए में दिया जाए तब यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक, जैसे अगर दो कामा तीन संबंध में है तो तीन कामा दो भी संबंध में होना चाहिए। मान लिया कि एक सेट ए है, एक सेट ए है ए बी सी, अगर इसका हम कार्तीय गुणनफल लें ए क्रॉस, ये क्या आएगा, ए कामा ए आएगा, ए कामा बी आएगा, ए कामा सी आएगा, और बी कामा ए, बी कामा बी, बी कामा सी, इसी प्रकार से सी कामा ए, सी कामा बी और सी कामा सी। अगर हम ए का कार्तीय गुणनफल करें तो कार्तीय गुणनफल इतना आएगा। अब अगर हम इसमें संबंधों के कुछ संबंध लिखें और पता करें कि वो संबंध सममित हैं या नहीं है, तो उसके लिए मान लिया भाई इसके जितने भी उप समुच्चय होंगे वो सभी संबंध होंगे। संबंध होते क्या है कि कार्तीय गुणनफल में उप समुच्चयों के जितने भी कार्तीय गुणनफल के उप समुच्चय होते हैं सभी उप समुच्चय क्या कहलाते हैं, संबंध। वो किसी भी प्रकार के संबंध हो सकते हैं। तो इसके हमने बहुत से संबंध लिखे, मान लिया एक संबंध आर वन है ए कामा ए, ए कामा बी और बी कामा ए, एक संबंध हमने लिखा। एक संबंध आर टू लिखा ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी। एक संबंध आर थ्री लिखा ए कामा बी, बी कामा सी, सी कामा ए। एक संबंध आर फोर लिखा फाइव और एक संबंध आर फाइव लिख दिया ए क्रॉस ए। अब पता करना है इन संबंधों में कौन सा संबंध सममित है और कौन सा संबंध सममित नहीं है। तो देखिए आर वन दिया गया है, हमने बताया सममित संबंध कब होता है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसमें देखो ए कामा ए है, इसका उल्टा तो ए कामा ए हो जाएगा, विकर्ण अवयव तो देखने ही नहीं, विकर्ण अवयव हो या न हो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ए कामा ए का उल्टा करेंगे तो ए कामा ए ही रहेगा। ठीक,
अब यहाँ पे देखो ए कामा बी इसमें है, अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए होना, ए कामा बी है तो इसमें बी कामा ए भी है, इसका मतलब ये संबंध कैसा हुआ, ये संबंध सममित संबंध हुआ। सममित संबंध के लिए अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, विकर्ण अवयव से मतलब। अगर ए कामा ए है या बी कामा बी है तो उसका उल्टा करेंगे तब तो वही रहेगा, तो ये वाला संबंध क्या रहेगा, सममित संबंध। अब ये वाला आर टू देखिए, आर टू में देखिए ए कामा ए इसमें है, बी कामा बी इसमें है, सी कामा सी इसमें है, तो क्या ये संबंध सममित है, तो विकर्ण अवयव से सममित संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये संबंध सममित है। ए कामा ए का उल्टा करेंगे ए कामा ए ही रहेगा, ठीक, बी कामा बी का उल्टा करेंगे बी कामा बी रहेगा, सी कामा सी का उल्टा करेंगे सी कामा सी रहेगा, ये वाला संबंध सममित संबंध है। दूसरा देखेंगे ए कामा बी इसमें है तो देखते हैं क्या बी कामा ए इसमें है, शुरू से देख लो, जैसे इसमें ए कामा ए देखा तो इसका उल्टा क्या ए कामा ए है, तो फर्क पड़ेगा ही, ऐसे ए कामा बी देखा तो क्या इसका उल्टा बी कामा ए इसमें है, ठीक, तो ये सममित संबंध है। इसमें भी ऐसे देखा, यहाँ पे देखिए ए कामा बी इसमें है तो क्या बी कामा ए इसमें है, नहीं, तो केवल एक भी गलती मिल जाए तो वो संबंध जैसा हम कह रहे हैं वैसा संबंध नहीं होगा, ए कामा बी इसमें है बी कामा ए इसमें नहीं है, इसलिए ये संबंध सममित नहीं होगा, ये संबंध सममित नहीं होगा। चौथा देखते हैं आर फोर फाइव, क्या ये संबंध सममित होगा, फाइव का मतलब क्या है, इसमें कोई भी अवयव नहीं, सममित संबंध क्या होता है, अगर ए कामा बी संबंध में है तो बी कामा ए संबंध में होना चाहिए, अगर ए कामा बी नहीं है तो जरूरत ही नहीं, इसमें देखो इसमें ए कामा बी है ही नहीं तो बी कामा ए देखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये वाला संबंध भी सममित संबंध होगा। देखिए सममित संबंध कब होता है, यदि ए कामा बी संबंध में है तो बी कामा ए संबंध में होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ए कामा बी संबंध में है ही नहीं तो बी कामा ए देखने की जरूरत ही नहीं, फाइव में तो कोई अवयव नहीं होते, ना तो ए कामा बी है जब ए कामा बी नहीं तो बी कामा ए नहीं देखने की जरूरत, ना तो बी कामा सी है जब बी कामा सी नहीं तो सी कामा ए भी देखने की जरूरत नहीं, तो ये वाला संबंध क्या होगा, सममित संबंध होगा, ये संबंध भी सममित संबंध है, तो फाइव क्या हुआ, सममित संबंध हुआ, फाइव स्वतुल्य संबंध नहीं था लेकिन फाइव सममित संबंध है। एक राशि थी, एक राशि तो कार्तिक गुणनफल हुआ, तो कार्तिक गुणनफल में तो सभी अवयव है, तो विकर्ण अवयव तो छोड़ दीजिए, विकर्ण अवयव ए कामा ए छोड़ दिया, बी कामा बी छोड़ दिया, सी कामा सी छोड़ दिया, सममित संबंध में विकर्ण अवयव हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बाकी देखते हैं अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए होना चाहिए, तो देखो ए कामा बी है इसमें संबंध में तो ए कामा बी है, बी कामा ए भी नहीं होगा, बी कामा ए भी नहीं, ए कामा सी है इसमें तो सी कामा ए भी इसमें है, उसके बाद में सी कामा ए इसमें है, उसके बाद में बी कामा ए है तो ए कामा बी होना चाहिए, है ठीक, बी कामा सी है तो सी कामा बी इसमें है, देखिए अगर ए कामा बी बिलोंग टू आर है तो बी कामा ए बिलोंग टू आर होगा, अरे एक राशि जो कार्तिक गुणनफल होता है वो सममित भी होता है स्वतुल्य भी होता है, ठीक, तो यहाँ पे ये वाला संबंध जो है एक राशि ए सममित संबंध है, तो ये वाला संबंध सममित हुआ, ये सममित हुआ, ये भी सममित हुआ, ये भी सममित हुआ। अब इसे क्या पता चला, इसे ये पता चला कि सबसे छोटा सममित संबंध क्या होता है और सबसे बड़ा सममित संबंध क्या होता है, सबसे छोटा सममित संबंध क्या है, फाइव, तो फाइव क्या है, सबसे छोटा सममित संबंध और सबसे बड़ा सममित संबंध क्या हुआ, एक राशि, तो एक राशि सबसे बड़ा सममित संबंध होगा, उसमें क्या था, सबसे छोटा तुल्यता स्वतुल्य संबंध क्या था, विकर्ण संबंध, सबसे छोटा स्वतुल्य संबंध क्या था, विकर्ण संबंध, ठीक, और यहाँ पे सबसे छोटा सबसे छोटा सममित संबंध क्या है, वहाँ पे सबसे बड़ा स्वतुल्य संबंध एक राशि था, यहाँ पर भी सबसे बड़ा सममित संबंध एक राशि। अगर हम संबंधों की संख्या देखें कि सममित संबंधों की संख्या क्या होगी, तो सममित संबंध देखिए संबंधों की संख्या से क्लास 12 में लेना देना नहीं, लेकिन तब भी समझ लीजिए कि संबंधों की संख्या होगी क्या, कि अगर कोई भी संबंध सममित है तो उसमें संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो मान लिया कोई संबंध समुच्चय ए से ए में दिया गया है, समुच्चय ए ए बी सी एंड सो ऑन ऐसे एन तक अवयव है, इसमें एक संबंध ए क्रॉस ए इस प्रकार से है, यहाँ पे ए बी सी ए बी
ए क्रॉस है यहाँ पे क्या आएगा, ए कामा ए, ये आएगा ए कामा बी, ए कामा सी, यहाँ पे बी कामा ए, बी कामा सी, यहाँ पे सी कामा ए, सी कामा बी और सी कामा सी। अब इसमें सममित संबंधों की संख्या देखनी है, तो ध्यान दीजिए पहले विकर्ण अवयव हम अलग पढ़ेंगे और ये वाले अवयव अलग पढ़ेंगे। अगर ए में एन अवयव होते तो ए क्रॉस ए में अवयव कितने हो जाए, हो जाएंगे एन गुणे मतलब एन स्क्वायर, इसमें एन स्क्वायर अवयव होते और विकर्ण में कितने अवयव होंगे एन। देखिए ए में अगर तीन अवयव है तो विकर्ण में तीन अवयव होंगे, ए में चार अवयव है तो विकर्ण में चार अवयव होंगे, ए में एन अवयव है तो विकर्ण में एन अवयव होंगे। इसमें विकर्ण में अवयव हो गए एन, विकर्ण में अवयव एन है, बाकी कितने बचे, बचे एन स्क्वायर माइनस, बाकी अवयव बचे एन स्क्वायर माइनस। अब ध्यान दीजिए क्या ए कामा ए के होने से या न होने से सममित संबंध में कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्यों, ए कामा ए सममित संबंध में हो या न, तो इसके चॉइस दो है, इसके भी चॉइस दो है और इसके भी चॉइस दो है, इनके सबके तो चॉइस दो है, तो यहाँ पे टोटल एन टर्म की चॉइस टू की पावर हो गई इनटू इनमें। देखें क्या ए कामा बी या बी कामा ए से कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए होना ही चाहिए, तो देखिए ए कामा बी ले तो ये लेना ही पड़ेगा, ये न ले तो इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आधे अवयव की अगर चॉइस हम दो दो ले लें तो इनकी चॉइस एक ही रहेगी भाई, ये जब लेंगे तभी। अब देखिए अगर हम सममित संबंधों की संख्या देखना चाहें तो इसकी चॉइस क्या रहेगी, इसकी चॉइस दो रहेगी तो दो की पावर एन हो जाएगी, अगर ए कामा बी हमने ले लिया तो बी कामा ए लेना पड़ेगा, तो इस प्रकार से इसकी चॉइस हो जाएगी इस बार माने से नफा, तो टोटल सममित